दिस इज केबी थापा, यू आर वॉचिंग केबीएसटी। होप आप लोगों को समझ में आया हो फंक्शन के टाइप्स, फंक्शन किस किस टाइप के होते हैं। हमने एग्जांपल के थ्रू सब एग्जांपल को हमने प्रूव किया कि कौन सा फंक्शन किस टाइप का होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको याद रखनी हैं, जैसे इफ f इज 1 1 देन f इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन, इफ f इज ऑन 2 देन f इज कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन, इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2 देन f इज कॉल्ड बाईजेक्टिव फंक्शन। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन एंड बाईजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन किस टाइप का होता है, अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, चेक करते हैं फंक्शन की इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी होता है 1 1, सब्जेक्टिविटी होता है ऑन 2। कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन है, इनके थ्रू हम देखेंगे ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, ऑन 2 है या नहीं। फर्स्ट, अ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। सेकेंड है, अ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। फंक्शन सेम है, बस मैपिंग चेंज हो गई है। थर्ड, अ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। फोर्थ, अ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स टू द पावर 3। फिफ्थ, अ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स टू द पावर 3। ये कुछ फंक्शन हैं, इनको हम चेक करेंगे ये इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी 1 1 और ऑन 2 हैं या नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एन, एंड ये डोमेन है, इसके एलिमेंट है एक्स वन एंड एक्स टू, सच दैट एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, इमेजेस आर सेम, दोनों की इमेज सेम है, इस टाइप से हमने इसको अज्यूम किया है। तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल आएगा एक्स टू स्क्वायर, फंक्शन इज डिफाइन एज एक्स स्क्वायर। इसको ऑब्जर्व करो तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल जीरो, एक ब्रैकेट में एक्स वन प्लस एक्स टू, एक ब्रैकेट में एक्स वन माइनस एक्स टू। कंपेयरिंग करेंगे दोनों को जीरो से, तो वी हैव टू टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वन, फर्स्ट एक्स वन इक्वल माइनस एक्स टू और एक्स वन इक्वल एक्स टू। बट एक्स वन और एक्स टू बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर में, इसका मतलब यह है कि एक्स वन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, एक्स वन नॉट इक्वल टू माइनस एक्स टू, इसका मतलब एक ही कंडीशन पॉसिबल है, एक्स वन इक्वल एक्स टू, एक्स वन इक्वल एक्स टू। इमेजेस हमने सेम ली थी, प्री इमेजेस सेम आ गई, सो एफ इज 1 1, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन, एफ इज 1 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, ये फंक्शन आपका 1 1 आएगा। सेम फंक्शन के ऑन टू के लिए चेक करते हैं। लेट वाई बिलोंग्स टू एन, वाई एक एलिमेंट लेट करते हैं जो इस कोडोमेन में लाई करता है, कोडोमेन का एलिमेंट है ये y, सच दैट y इक्वल एफ एक्स, वाई की जो प्री इमेज है वो x आएगी, या कह लो x की जो इमेज है वो y आएगी, इस टाइप से है। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ एफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर, जो कि डिफाइन था एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं x की वैल्यू, वो आएगी x इक्वल रूट वाई, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएंगे, ओनली पॉजिटिव वाले कंडीशन आएगी। रेंज ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आएगा इसका, रूट में हम वैल्यू रखनी है हमें ऐसे जिससे कि हमें नेचुरल नंबर, वी गेट अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 आएगा, 4 रखोगे तो 2 आएगा, 9 रखोगे तो 3 आएगा, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1, 4, 9, 16 एक्सेट्रा। फंक्शन का कोडोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन में आप देख सकते हो कोडोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगा तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इससे हमें पता चलता है, दिस इंप्लाइज दैट गिवन फंक्शन इज
वन वन बट नॉट ऑन टू। फंक्शन जो है वन वन तो है, इंजेक्टिव तो है, बट सब्जेक्टिव ऑन टू नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, अब फंक्शन मैपिंग फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, कर लेते हैं एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू जेड, जेड ये डोमेन वाला जेड है, सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, इमेज सेम है, तो इसका मतलब होगा एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर, सेम मैनर जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, सेम क्वेश्चन है, बस मैपिंग चेंज हो गया है। इससे कंक्लूजन क्या आएगा, इससे वैल्यू आएगी कि x1 की वैल्यू या तो माइनस x2 आएगा या फिर x2 की वैल्यू आएगी, या तो नेगेटिव आएगी वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी। बट x1 एंड x2 बोथ लाई इन अ इंटीजर, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। x की वैल्यू माइनस एक्स टू भी पॉसिबल है और एक्स टू भी, क्योंकि बोथ आर इंटीजर, अगर ये टू है तो ये माइनस टू भी हो सकता है इंटीजर से। इसका मतलब ये है ये फंक्शन वन वन नहीं होगा, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ये आपका वन वन नहीं आएगा। इस फंक्शन के ऑन टू के लिए चेक करते हैं, सेम मैनर लेट कर लेते हैं y बिलोंग्स टू z, z जो है इसका कोडोमेन है, सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये x का इमेज है y, दिस इंप्लाइज y इक्वल एक्स स्क्वायर, फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव नेगेटिव रूट y, x वैल्यू आएगी पॉजिटिव नेगेटिव रूट y, x बिलोंग हमारा कर रहा है इंटीजर, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन चेक कर लेते हैं, इस फंक्शन के लिए रेंज क्या आएगा हमारा, इंटीजर चाहिए हमें तो y की वैल्यू जीरो रखनी पड़ेगी, वन रखनी पड़ेगी, फोर रखनी पड़ेगी, नाइन, इससे हमारे इंटीजर आ जाएंगे, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज जीरो वन फोर नाइन एक्सेट्रा। इस फंक्शन के कोडोमेन की बात करते हैं, इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो इंटीजर है z, रेंज की वैल्यू कोडोमेन के इक्वल नहीं है, रेंज ये हमारे पास जीरो वन फोर नाइन और कोडोमेन हमारे पास है z, ये दोनों सेम नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ऑन टू मीन सब्जेक्टिव। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये नीदर वन वन नॉर ऑन टू, ना तो ये वन वन है और ना ही ऑन टू है। सेम मैनर क्वेश्चन चेक करते हैं, फंक्शन मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अभी तक हमने जिस तरीके से प्रूफ किया था उसी तरीके से प्रूफ करते हैं इसे भी। लेट कर लेते हैं एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, इमेजेस आर सेम, तो यहां से इंप्लाई करेगा एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर, सेम प्रोसेस सॉल्व कर रहे हैं इसे। सॉल्व करने पर वही दो वैल्यू मिलेंगी x1 इक्वल नेगेटिव x2 और x इक्वल x2, बट ये रियल नंबर है तो हम डायरेक्टली इसमें यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, डायरेक्टली यूज कर लेते हैं x1 इक्वल x1 x2। अगर x1 की वैल्यू नेगेटिव x2 और x2 के दोनों के इक्वल है इट मीन इट इज नॉट अ वन वन। इस फंक्शन के ऑन टू के लिए चेक करते हैं, लेट y belongs to R, R इसका कोडोमेन है, सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स, तो y की वैल्यू आएगी सेम x स्क्वायर, x की वैल्यू आएगी रूट में y। रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करें, रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करें तो ये नॉन नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक नॉन नेगेटिव रियल नंबर हमारे पास आएंगे इसका रेंज। कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन इसका रियल नंबर है,
रेंज फिर कोडोमेन के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट ऑन टू ये फंक्शन फिर ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन भी नीदर वन वन नॉर ऑन टू, ये फंक्शन भी ना तो वन वन है और ना ही ऑन टू है। ये होप आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन के थ्रू कि वन वन और ऑन टू क्या होते हैं फंक्शन, वन वन फंक्शन कौन से होते हैं, ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके मुझे बता सकते हो, आप इसको मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो कि ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, आप इसको ट्राई करो। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आप मुझे भेज सकते हो, मैं सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।